यहाँ हमको जंगल के बीच में उतारा है। देखिए यहाँ पे शेर वगैरह पानी पीने के लिए आते हैं, तो हम लोग गाड़ी से नीचे उतर के देख रहे हैं। चिड़ियों की आवाज़, तरह तरह की आवाज़ सुन रहे हैं आप? देखिए कैसी आवाज़ें आ रही ये है हैं। जंगल की आवाज, हवा की आवाज, पक्षियों की आवाज। ये है एंट हिल, जो जिसमें आंट्स रहती हैं। चारों तरफ घना जंगल। इधर भालू, चीता सब आते जाते रहते हैं, इसीलिए इस जंगल में चारों तरफ फेंसिंग किया हुआ है। एंड ये जंगल कैंप बनाया है, इसमें हट्स हैं, 10 हट्स हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, ये आदिवासी लेडीज काम करती हैं यहाँ पे। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर अंदर और जंगल में आदिवासी एरिया है, वहाँ से ये लेडीज काम करने आती हैं। ये पूरा जंगल है, बहुत खूबसूरत जगह है। कितनी सारी बटरफ्लाईज हैं यहाँ। घने जंगल के बीच में कितना सुंदर जंगल कैंप बनाया है। यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, बैठ के कुछ भी खाओ। बच्चों का खेलने का भी है, छोटे बच्चों का। 25 kgs तक का हम में से कोई भी नहीं बैठ पाया, हम सारे अबव 50 kgs हैं। ये है कैंटीन, इसमें अब्दुल्ला करके हैं, उनके हाथ का खाना इतना टेस्टी है, मैंने तो इतना ओवर ईटिंग किया है ना, बहुत ज्यादा। ये बर्मा ब्रिज है बच्चों के लिए। हम लोग यहाँ पे बैठ के कल शाम को चाय पिए थे। बैक साइड में बहुत तगड़ा फेंसिंग किया हुआ है, बट फिर भी डेंजरस है। चारों तरफ से फेंसिंग बहुत तगड़ा है, सिक्योरिटी अच्छा है, बट एनिमल्स तो एनिमल्स ही हैं, कांट बिलीव देम। इसमें हर कॉटेज का नाम दिया गया है। शिकारा, इसका नाम है शिकारा, इसका नाम है हैरियर। बैक साइड में घना जंगल है इसके बैक साइड में, बट फेंसिंग है। और ये हमारा है, हमारे कॉटेज का नाम है फैल्कॉन। यहाँ पे ऑल टाइम सफाई चलता ही रहता है, पत्ते गिरते रहते हैं, नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है क्योंकि फैमिलीज आती रहती हैं। आज भी 3 फैमिलीज आ रही हैं। और उस कॉटेज का नाम है ईगल।